हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया के सबसे फास्ट बॉडी बिल्डिंग अपडेट चैनल दी बॉडी बिल्डिंग क्लब में। तो दोस्तों, हमारी पहली अपडेट आई है जीजो जोन की तरफ से। जीजो जोन ने सभी को हैरान कर देने वाली एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जीजो जोन इस बार कंप्लीट करने वाले हैं एमेचर ओलंपिया साउथ कोरिया में, और उसकी डेट होने वाली है 25 सितंबर, जो की 8 दिन बाद है। अब बात करते हैं जीजो जोन की करंट बॉडी कंडीशन की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं उनकी बॉडी श्रेडेड हो चुकी है, फुल शेप में आ चुकी है, और उन्होंने अपनी वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि स्मॉल पीक वीक उनका स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, देखते हैं जीजो जोन इस बार एमेचर ओलंपिया साउथ कोरिया में अपनी कैसी फिजिक लेकर जाते हैं, और सभी उनके लिए ऑल द बेस्ट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नंबर 2, संदीप राजवंशी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये कंप्लीट करेंगे इस बार के मुंबई प्रोसो में, और ये पहले कंप्लीट करते थे ओपन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में, पर ये मुंबई प्रोसो में क्लासिक फिजिक कैटेगरी में कंप्लीट करेंगे। और आप इनकी करंट बॉडी कंडीशन देख सकते हैं, इनकी बॉडी की सिमिलरिटी कितनी अच्छी लग रही है, और आप देख सकते हैं कि संदीप भाई के हर मसल पार्ट में फाइबर नजर आ रहा है, लेग्स का सेपरेशन कितना अच्छा दिख रहा है, एब्स भी काफी अच्छी तरीके से विजिबल हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि संदीप राजवंशी क्लासिक फिजिक में अपनी कैसी परफॉर्मेंस कर पाएंगे, और आपको संदीप भाई की फिजिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। नंबर 3, अली बिलाल। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये कंप्लीट करेंगे इस बार के अनरोल्ड क्लासिक यूके में, और आप इनकी करंट बॉडी कंडीशन देख सकते हैं, इनकी कंडीशन टॉप नॉच लग रही है। और बात करें इनके बॉडी साइज की, तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब से प्रो शो खेलने लगे तब से इनके पास साइज की कोई कमी ही नहीं रही है। तो दोस्तों, हम जब अली बिलाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें भुवन चौहान के बारे में बात करना तो बनता है। तो आप देख ही सकते हैं कि भुवन चौहान का डेथ फेस आना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। एक ऐसी एक्सरसाइज जो आपके बाइसेप्स का साइज फाड़ देगी, एकदम तगड़ा कर देगी, वो है इंक्लाइन डंबल कर्ल। करने कैसे, आगे हाथ, ठीक है, हथेली पे रहने चाहिए डंबल, जितने रैप हो सके ना उतने रैप मारो, और डंबल को नीचे नहीं छोड़ो।